बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कश्मीर को भी नए साल का तोहफा मिल गया है। जी हां, आधी रात से एसएमएस सुविधा बहाल हो गई है, इंटरनेट सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं। उसके साथ ही आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से घाटी में जो पाबंदियां लगाई गई थी वो एक एक करके खत्म होती हुई दिख रही हैं। तो कश्मीर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा पर अब भी रोक जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल ये तोहफा कश्मीर को नए साल के मौके पर मिला है, जहां पर आधी रात से एसएमएस सुविधा जो है बहाल कर दी गई है, इंटरनेट भी शुरू कर दिया गया है। तो नए साल के मौके पर कोशिश है हर किसी के चेहरे पर खुशी लाने की। धारा 370 जब जम्मू कश्मीर में लगाई गई थी उसके बाद से कई पाबंदियां यहां पर शुरू हुई, हालांकि उन पाबंदियों को एक महीने के बाद धीरे धीरे करके हटाया गया, लेकिन तब भी एसएमएस सुविधाएं और इंटरनेट सेवाएं जो है वो बहाल नहीं की गई थी। लेकिन नया साल है, नया दिन है, और ऐसे में लोगों के चेहरे पर खुशी रहे, लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को मैसेज कर पाए, उनसे संपर्क कर पाए, नए साल की शुभकामनाएं दे पाए, और ऐसे में ये एक अच्छी खबर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जहां पर एसएमएस सर्विस जो है वो शुरू कर दी गई है और इंटरनेट सेवा को भी बहाल कर दिया गया है। तो 370 के हटने के बाद से घाटी में लैंडलाइन, इंटरनेट और शॉर्ट मैसेज सर्विस सुविधाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन अब आज आपको बता दें कि ये जो सेवाएं हैं वो बहाल कर दी गई हैं। स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में भी इंटरनेट सेवा को शुरू कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि अभी भी कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो बहाल नहीं की गई हैं, उनमें कुछ में अभी भी पाबंदी है, लेकिन ये एक अच्छी खबर नए साल के मौके पर कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जहां पर एक तोहफा उनको मिल गया है।